नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्स नाइन लाइव पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे समीर वानखेड़े, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती जा रही है उनके पद को लेकर। जो उनका पद है एनसीबी में, उसको लेकर मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही है कि कहीं उन्हें इस्तीफा ना देना पड़ जाए। जी हाँ, अब तक रिश्वत के आरोप तो लग चुके हैं, लेकिन अब फिर से एक बुरी खबर समीर वानखेड़े को लेकर आ रही है कि अब एक महिला वकील सुधा द्विवेदी ने उनके ऊपर शिकायत दर्ज करवाई है। और सिर्फ समीर वानखेड़े ही नहीं, उनके अलावा 5 और लोग हैं जिनको लेकर शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई है। और बताया है कि क्रूज शिप पर जो भी चीज़ें हुई वो जबरन वसूली की गई, जो भी चीज़ें हुई उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है समीर वानखेड़े को लेकर। तो समीर वानखेड़े की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही है। समीर वानखेड़े अब लगातार मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। जहां उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है, तो वहीं अब फिर से उन पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। एक महिला वकील हैं सुधा द्विवेदी, जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। अब लगातार मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। अभी हाल ही में समीर वानखेड़े के पिता का भी बयान सामने आया था कि मेरे बेटे पर मुझे बहुत गर्व है, अब तक उसने बहुत ईमानदारी से काम किया है, उसकी ईमानदारी का ही ये नतीजा है। तो लगातार लोग उनके पीछे पड़े हैं और लगातार उसके काम पर सवाल उठाते दिख रहे हैं। ऐसा हमेशा हुआ है कि हमेशा कोई अगर ईमानदार इंसान रहता है, वो ईमानदारी से किसी चीज़ को करता है, तो लोग उसे करने नहीं देते हैं। ये उनके पिता का बयान था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि समीर वानखेड़े अब दिल्ली पहुँच गए हैं। दिल्ली पहुँच के क्या वो पूछताछ के लिए आए हैं? उन्होंने खुद कहा है कि वो किसी पर्सनल रीज़न की वजह से दिल्ली आए हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सिर्फ ये एक पर्सनल रीज़न है या फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उन पर एक्शन लिया जाएगा, क्या होगा इसमें। ये सामने आने के बाद समीर वानखेड़े जो बयान देते आ रहे हैं कि उन्हें पर्सनल रीज़न की वजह से वो यहाँ पर आए हैं, उन्हें किसी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, तो अब धीरे धीरे जब चीज़ें सामने आएगी, जैसे अभी आ रही है कि किसी महिला वकील ने उनके पर शिकायत दर्ज करवाई है, लगातार मुश्किलों में जिस तरह से समीर वानखेड़े घिरते जा रहे हैं, तो आगे पता नहीं इस केस में और क्या कुछ होने वाला है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।